माँ, भैया और भाभी एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं और दरवाजा भी खुला है। साथ ही आप भी बेझिझक कमरे में आती जाती हैं। क्या आपको यह सब सही लगता है? भाभी को तो कुछ शर्म नहीं आनी चाहिए और उन्हें कुछ समझाना भी नहीं चाहिए। दीक्षा ने अपनी माँ से उमा जी को कहा, जो अभी अभी अपने बेटे बहू के कमरे में जाकर आई है। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? बेटी बहू रोज रोज तो ऐसे नहीं सोती। उसकी तबीयत खराब है तो लेटी हुई है और वह ठीक से बाथरूम तक नहीं जा सकती। उसी में बार बार जाकर कहूँ कि उठ जा, मुझे तेरे कमरे में आना जाना है। और आना जाना भी किस लिए? उसे दवाइयाँ, चाय, नाश्ता, जूस आदि देने के लिए। बड़ी मुश्किल से तो वह बैठ पा रही है। ऐसे वक्त में मैं अगर इसे अपनापन और प्यार नहीं दूंगी तो वह कैसे खड़ी हो पाएगी? और बार बार ऐसे खड़े होने पर उसकी तबीयत सुधरने की बजाय ज्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि उसे जिस आराम की जरूरत है वह मिल ही नहीं पाएगा उसे। दूसरी बात, तेरा भाई रात भर उसके सिर पर पानी की पट्टी रख रहा है। सुबह सुबह सोया है वो तो क्या, उसे बार बार जगाऊंगा। बेटी देख, परिवार अपना ही है तो उसका सहयोग और समर्थन भी करना बनता है। तभी परिवार में आपसी विश्वास और एकजुटता बनी रहती है। समझी, जब बेटे को जगा नहीं सकती तो बहू को क्यों? जब बहू मेरी सेवा करने में पीछे नहीं हटती तो ऐसे छोटे मोटे कारणों को बीच में लाकर उसे संभालने में क्यों पीछे रहूं? जब बेटा मेरा है तो बहू भी तो मेरी है। उमा जी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, काश मैं हर साथ आपके जैसी सोच रखनी तो शायद परिवार की आधी समस्या खत्म हो जाती। दीक्षा ने आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। उमा जी ने भी उससे अपनी बाहों में भर कर प्यार करने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर जरा सी भी पसंद आई है तो फैमिली मेंबर दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलूंगी एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक देखते रहे हमारी कहानी। धन्यवाद।